बीजेपी की सरकार इतनी बुरी नहीं है कि वो हमें दबा देगी, वो न्याय करती है और बीजेपी की सरकार न्याय करेगी। बारात को तो हम खुद चढ़वाएं, उससे पहले टप्पल के कुछ आदमी यहाँ खड़े हैं, ये आए न भाई बारात चढ़ेगी ऐसे नहीं, बिल्कुल चढ़ेगी। लेकिन हमने तो अंदर का मैंने चढ़वाई है पूरे अपनी बस पूरे और बंदूकों से चढ़वाई है, कोई दिक्कत नहीं कैसी। और अब भी और अब भी हम साथ हैं बारात। देखो आपकी बहन बेटी हमारी सब एक ही है भाई, बेटी कहीं की भी सही, बारात है, खुशी का माहौल है, हम भी शामिल होते हैं उसमें, ये भी सा। लेकिन 5 मिनट की रिक्वेस्ट करी थी और फिर हम अगर हमारी गलती है तो हम उनसे माफ़ी मांगेंगे, अगर कोई नुकसान है तो उसका नुकसान का भुगतान करेंगे और उनसे कहेंगे कि हमारे दादा और तुम्हारे दादा इस गांव में जब आए थे तो जब बसा था ये, और आज उसी प्रथा को हम लेकर चल रहे हैं, आप ऐसा करोगे तो हम तुमसे पहले चले जाएंगे। बारात चढ़ती थी बड़े प्यार से, चाहे मुसलमान की या हिंदू की, बड़े प्यार के साथ में चढ़ी बारात। और आप हिंदू मुस्लिम करें ताकि हिंदू मुस्लिम होने से उन लोगों ने यह कहा कि बीजेपी सरकार है इन लोगों को दबा देगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बीजेपी सरकार इतनी बुरी नहीं है कि वो हमें दबा देगी, वो न्याय करती है और बीजेपी सरकार न्याय करेगी, वो ना हिंदू देखेगी ना मुसलमान देखेगी, वो जो सही है वो करेगी। यही जगह थी यहाँ पर जो मारपीट हुई, क्या विवाद था? बारात आई चढ़ने की है, इस मस्जिद के बंद में नमाज हो रही, थोड़ी सी बच्चों ने नौकरी कि तुम थोड़ा सा डीजे बंद कर लो, हमारी नमाज हो रही है, भजन हो रहा हमारा, हमने ना हाथ जोड़े भैया देव को झगड़ा मचाओ। मौजूद थी उस समय? हाँ मौजूद थी सही, मेरा घर बराबर में ही है, हमारी लड़की बड़की बारात देख रही, खूब बारात देखते, हमारे बड़े बूढ़े तो नहीं देखते, हम देखते हैं, बहन बेटी देखते हैं। बारात चढ़ती थी बड़े प्यार से, चाहे मुसलमान की या हिंदू की, बड़े प्यार के साथ में चढ़ रही बारात। ये गाँव बसे 100 साल से ज्यादा हो गए होंगे, उससे आज तक जाटव समाज और मुस्लिम समाज आपस में इतने प्यार से रहता है कि इस गांव की मिसाल दूसरे गांव को दी जाती है, जितने प्यार से वो जाटव समाज है, हम उनके यहाँ बैठते भी हैं और खाते भी हैं सच बताएं तो, और उनको हम बुलाते भी हैं खिलाते भी हैं, अभी भी हम लोग आपस में बैठेंगे, हम लोगों की बातचीत चल रही है और बैठ के इस मसले को सॉल्व कर लेंगे। और आप हिंदू मुस्लिम करें ताकि हिंदू मुस्लिम होने से उन लोगों ने यह कहा कि बीजेपी सरकार है इन लोगों को दबा देगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बीजेपी सरकार इतनी बुरी नहीं है कि वो हमें दबा देगी, वो न्याय करती है और बीजेपी सरकार न्याय करेगी, वरना हिंदू देखेगी ना मुसलमान देखेगी, वो जो सही है वो करेगी। खान साहब आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके का जो विवाद है वो आखिरकार वो जाति धर्म को देख करके विवाद बढ़ाया जा रहा है? नहीं 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 नहीं, पहले से ही भाईचारा और आज भी भाईचारा ही है। तो ये जो विवाद है बहुत बड़े लेवल पे बढ़ाया जा रहा है, तो इसको कैसे शांत किया जाए? अब देखो ये तो झूठे अफवाह कितने भी बढ़ा ले, ऐसे तो हमारे बड़े बूढ़े हैं, ये प्यार से समझा दें और समझ आ जावे तो ये सब काम हो जाएंगे। क्या बाबू जी क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि इस गांव को बसे हुए करीब 400 वर्ष हो गए और हम करीब समझो 50-60 साल से थोड़ी सी जानकारी हुई है, पहले बच्चा थे, न कोई झगड़ा हुआ किसी भी, 47 में दुनिया कत्ल हुई, न हमारे इलाके में किसी जाट ने कुछ कहा, न पंडित ने कुछ कहा, और हमारे जाट और हम तो एक ही जगह रहे, कभी नहीं हुआ। अब से पहले ये बारात सारा चढ़े हैं, अब ये पब्लिक आवाज कुछ थोड़ा सा झगड़ा हो जाए, अभी तक भग्गी पड़ जा किसी लग गई ना झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गए, ऐसे फसाद हैं। बारात को तो हम खुद चढ़वाएँ, उससे पहले टप्पल के कुछ आदमी यहाँ खड़े हैं, ये आए नहीं भाई बारात चढ़ेगी ऐसे नहीं, बिल्कुल चढ़ेगी, जैसा तुम चाहो वैसे चढ़ेगी, वैसे रास्ता तुम्हारा ये है इधर को सीधा, इधर ना कोई घर है ना कोई मैरिज होम है, लेकिन हमारे यहाँ तो निकाह कभी भी हो जावे, रात को दिन को जुमा को शुक्र को शनिचर को बैसाख में जेठ में, तुम्हारी जो शादी होती है वो पंडितों के कहने से होती है, अगर कोई पंडित जी ये कहता है कि लड़की या लड़का में कोई फर्क आ जाएगा अगर उधर बारात नहीं निकली तो हमारे संग चलो हम इधर का निकालेंगे, इन्होंने मंजूर करा, टप्पल के जाटव थे कुछ मुसलमान थे यहाँ खड़े होंगे शायद, ये लिख ली नहीं कोई बात ना, 22 तारीख बारात चढ़ गई बहुत अच्छी बात। अब यहाँ एक स्पेलर है आप देखते आए होंगे, तो कुछ लोग वहाँ तेल लेने के लिए जा रहे हैं पिलवाने के लिए, एक आध दो पल्ली तरफ से जा आ जाए, ये बारात यहाँ आ गई है, जब बारात आ गई तो इनके यार कहीं यार सुनाओ कि बवाल बन जाए, वही बात याद आई परसों की, वो अजान लग गई तो यह मस्जिद में नमाज पढ़ने लगे, यहाँ चाहे यहाँ नमाज ही पढ़ते, बजे की बात है यह 5 बजे की बात, शाम को बल्कि 5 से 10-5 मिनट ऊपर है, वो भी यहाँ नमाज पढ़ने लगे, नमाज पढ़ने लगे जब इनके बवाल बना तो मस्जिद से बाहर निकल का ये खड़ा ये सामने, ये निकल के यानी बचाया भैया मत बजा भैया थोड़ी देर रुक जाओ, कुछ ऐसे भी हैं उनने कहा कि हम तो यहीं बजाएंगे, रोक ले तो कहाँ रोके, तो इधर से भी किसी ने कहा यूँ कर दिया, बवाल बन गया, ना कोई झगड़ा हुआ ना लूट हुई,
बल्कि उनका कुछ जो सामान गिर गया था, पत्थरबाजी भी हुई नहीं, कुछ नहीं, झूठी बात। उनका मोबाइल भी गिर गया है, वो मोबाइल भी हमने पहुंचाया, झूठ क्यों बोले। ये निराले साहब हैं, शायद मोबाइल को रात को सेट कर दी, सुबह पहुँचा दें, सुबह पहुँचा, उन्होंने लिया नहीं। ये भलाई है हमारी, और ये बात अगर झूठ हो ना तो जो कुत्ता खा उसमें खिला देना। वो जो उनको आप थे, हाँ आप आ जाइए थोड़ा, पूरी कहानी बताएंगे, इधर आ जाओ। शुरुआत की कहानी बताएंगे, क्या क्या था स्थिति, क्या थी, क्या विवाद, किस वजह से ये विवाद नहीं था सर। ये बारात चढ़ गई, उनकी जो गली पड़ती है वो दूसरी यहाँ से 150 मीटर पड़ती है, ये गली आम है, उनका भी रास्ता हमारा भी है, सार्वजनिक रास्ता सबका। उसके बाद में जब बारात चढ़ती हुई आई तो 5 बजे हमारी अजान होती है शाम को, यहाँ बारात आ गई यहाँ। जब डीजे ढोल ताशे बज रहे थे तो हम मस्जिद में से निकल गए, मेरी भाई अजान हो गई है, नमाज का टाइम है, नमाज पढ़ रहे हैं लोग, तो थोड़ी घुमक जब लगती है तो दिक्कत बनती है। हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं 5 मिनट के लिए आगे बजा लें, कोई दिक्कत नहीं। वो बोले क्यों बजा लें, तुम्हारी हर वक्त नमाज ही होती है, जब हमारी बारात चढ़ती है जब भी तुम्हारी नमाज हो गए, ऐसी कोई ना बोला ये जाटो समाज के लोगों ने। हम बोले नमाज का टाइम होता है 2 बजे का, 5 बजे का, शाम को 7:30 बजे का, तो ये टाइम होता है, और 10 मिनट का टाइम लगता है, लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मेरे, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, बाजा यहीं बजेगा, डीजे यहीं बजेगा, और रोका जाए तो रोक लो। ये तो क्या आरोप लगा रहे हैं कि पहले की बारातों में भी पत्थरबाजी हुई है, हुड़दंग हुआ है। इनकी सुनो सर, ये एक मिनट सर, ये तो इनकी पर्सनल हमारी सब, लेकिन हमने तो अंदर का मैंने चढ़वाई है पूरे, और बंदूकों से चढ़वाई है, कोई दिक्कत नहीं कैसी, और अब भी, और अब भी हम साथ हैं। बारात देखो, आपकी बहन बेटी हमारी सब एक ही है भाई, बेटी कई की भी सही, बारात है, खुशी का माहौल है, हम भी शामिल होते हैं उसमें, ये भी सा, लेकिन 5 मिनट की रिक्वेस्ट करी थी। और उन्होंने जो बात कही है मुझे बड़ी अच्छी लगी है, वो कह रहे हैं कि दोनों समझाओ, उनसे बात करूँगा और बैठ कर समझाऊँगा, और फिर हम अगर हमारी गलती है तो हम उनसे माफ़ी मांगेंगे, अगर कोई नुकसान है तो उसका नुकसान का भुगतान करेंगे, और उनसे कहेंगे कि हमारे दादा और तुम्हारे दादा इस गांव में जब आए थे तो जब बसा था ये, और आज उसी प्रथा को हम लेकर चल रहे हैं, आप ऐसा करोगे तो हम तुमसे पहले चले जाएंगे। रहेगी मस्जिद है, आप खूब बजाओ, हम कर रहे हैं अपना, सराफत से कह रहे हैं नहीं मानने तो तुम बजाओ खूब, रास्ता इनका ये है, यूँ कर भी ले जाओ।